आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्ग लबाबदार चिकन। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और 1 चक्रफूल डाल दें। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज को काट लिया है, इसे अब डाल दें। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर इसे भूनें। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने 2 टमाटर का प्यूरी बना लिया है, इसमें अब मिला दें। अब इसमें नमक ऐड कर दें और 1 चुटकी चीनी डालें। अगर टमाटर ज़्यादा खट्टा है तो वो उसे बैलेंस कर देगा। मिक्स करने के बाद इसमें चिकन डाल दें। ये चिकन 600 ग्राम है। फ्लेम हाई रखकर चिकन को मसालों के साथ 5 से 7 मिनट के लिए भुनें। चिकन अब भुन चुका है, इसमें 1 कप पानी डालकर मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढक कर रख दें। 15 मिनट हो चुका है, चिकन बिल्कुल अच्छे तरह से पक चुका है। अब ग्रेवी से चिकन को अलग कर लें। ग्रेवी ठंडा हो चुका है, अब इसे पीस लें। पीसने के बाद देखिए ये ग्रेवी कितना स्मूथ हो गया है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें और पीसा हुआ ग्रेवी इसमें डाल दें। जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे हिलाकर कढ़ाई में पानी डाल दें। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच काजू का पेस्ट डाला है। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच घी डाला है, ये ऑप्शनल है। ये सब प्रोसेस करते समय फ्लेम को मीडियम रखें। अब फ्राई चिकन ग्रेवी में मिक्स कर दें। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालें, फिर ढक कर 2 मिनट के लिए इसे स्लो आंच में पकाएं। चिकन अब अच्छे से पक चुका है ग्रेवी में। अब ये मुर्ग लबाबदार चिकन तैयार है। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।